चलो भाई, यशवंत भाई ने हमको यहाँ पे होस्ट किया था। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर आर्ट गैलरी बनाओ तो जरूर बुलाना। आर्ट स्टूडियो, हाँ आर्ट स्टूडियो भाई, आर्टिस्ट हैं। चलो भाई यशवंत भाई, बाय 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 बाय। अब ये रास्ते से फिर मिलेंगे। ये रास्ते से हमें जाना है चोज। आज चोज विलेज जा रहे हैं हम। और यहाँ से कितना किलोमीटर है? लगभग वो 8 तो वहाँ से था, 8 और 4 लगभग 12। अच्छा हाँ, ये तो ऊपर है। अभी तो हमें नीचे उतर के जाना है, फिर रोड पे वहाँ पे जाना है जहाँ पे लिफ्ट मिलेगी। एकदम पहने सींग अपने पेट के। तोश विलेज भी जाना है, घूम के आना है तोश। देखते हैं, फिलहाल यहाँ से नीचे उतरते हैं। चलो शुरू करते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर के। रुको, मेरा तुमने इंट्रो खराब कर दिया। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, क्या हुआ? मैं बोल रही थी कि हमें 50,000 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन है। वैसे 53,000 हो गए। 53,000, अच्छा तो 60 का कर लेंगे। कल रात को 50 हुआ, मैंने सोचा सुबह इंट्रो में बोलूंगा 50, लेकिन अभी शूट करते करते 53,000 हो गया। थैंक यू। नीचे उतर के 60 का करेंगे फिर तो। नीचे उतर के 60 का हो जाएगा मुझे लग रहा है। अब बोलने दो मेरे को। चलो शुरू करते हैं। क्या बोला? कुछ नहीं। यहाँ पे होली खेलने का नहीं है। ये देखो, बहुत देर से मेरे ऊपर पानी गिरे जा रही है लड़की। मैं ये पत्थर, ये देखो ये पहाड़ गिर रहा है, इसके पत्थर गिरूंगा तुम्हारे ऊपर छोटे छोटे। अच्छा। पूरा पहाड़ गिर दूंगा। पानी से कुछ नहीं होगा। पानी की तो पूरी नदी बह रही है। ये देखो, मैं पूरे उसमें घेर दूंगा तो मैं यहाँ से ढलान में, खाई में घेर दूंगा। आगे पीछे बैग है ना, तो रोल होते हुए दे दो धक्का फिर। मैं कभी सोचता हूँ यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते जाए तो। मैं बहुत सोचती हूँ अगर ऐसे लुढ़क गई तो टाइम भी बच जाएगा, जल्दी पहुंच जाऊंगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कैसा लगा मेरा मजाक? जल्दी पहुंच जाओगे लेकिन फिर जल्दी पहुंच जाएगी। हाँ, सृष्टि सीधा पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये है भाई, पैदल चलते हुए आज जाने का फैसला लिया है हमने। कितना? 16 किलोमीटर ना टोटल। 16 किलोमीटर है, हम 3 किलोमीटर चल लिए। हाँ, और ऊपर से वो 1-2 किलोमीटर की उतराई भी तो थी ट्रैकिंग। हाँ, वो भी है। तो काफी पैदल चल लिए भाई सुबह से। काफी चल लिए, 1-2। चोज भी इसी रोड पे है, मतलब हमें चोज भी इसी रोड पे, तो हमें से चलते चलते मणिकरण में खाना खाएंगे। लंगर लंगर भाई, मणिकरण का लंगर जिसने नहीं खाया, ओ हो मजा आ जाता है यार, स्वादिष्ट। मेरे को अभी अभी याद आया, मैं भूल गया था। मैं बोला मेरे को चोज, हाँ हाँ हाँ, मेरे को चोज याद था बस। मैं अभी याद आया यार, मणिकरण भी तो रास्ते में आएगा। पानी है ना, ऐसे लगता है पानी है पर ये जम जाता है कई बार। हाँ, सुबह सुबह तो जमा रहता है। अभी ये दिन हो गया, स्लाइड होता है इधर से। हाँ, दिन हो गया तो अभी ये माँ पार्वती है नीचे। हाँ, पूरा हमारे साथ ही है। हाँ, ऊपर अंदर से चलो यार, तुम ऐसे नहीं चलो। हम जहाँ कलगा में रुके थे ना, वहीं से ऊपर जाके मंतलाई करके आता है, वहाँ से ये ओरिजिन होता है इस रिवर का। अच्छा। हाँ। क्या यार, उधर भी जाना, सुंदर वैली है ना, मजा आ गया। पर मजा आ रहा है। और खाना वाना भी फ्री है क्योंकि मणिकरण गुरुद्वारा। ये बड़ी बात क्या है पता है, हम ये सारी चीजें ना जब पैसे को त्यागेंगे तब होगा। हाँ। ऐसे ही नहीं होगा ये सारे नजारे। अभी जैसे बाबा जी मिले थे, वो संत मिले थे, वो पता 15 साल हो गए उनको निकले हुए कन्याकुमारी से यहाँ पहुँचने के लिए। वो बीच में नेपाल भूटान उधर भी जाकर आए, नॉर्थ ईस्ट भी पूरा कर लिया उन्होंने, और 15 साल में इधर तक पहुंचे। और बोल रहे हैं अगले साल वो लद्दाख पहुंचेंगे। और वो इतने, मतलब उनके पास ना जूते हैं, उनके पास ना सब बैग है, ना फोन है, ना कोई भी। मैं उनसे जब मिला ना, मेरे को कैमरा निकालने का मन नहीं कर रहा वैसे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं। मैं बोली कि तुम कैमरा क्यों नहीं निकाल रहे, वरना हर बार तो मैं गिरती हूँ तो निकालते हो, मैं कुछ लग गया तो निकालते हो। मैं बोले क्यों नहीं निकाल रहे, बट वो बहुत स्पिरिचुअल थे और बहुत अच्छा लगा उनसे बात। कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता हूं ना, और नंगे पाँव यहाँ तक आ गए। उन्होंने सिर्फ जूता यूज करना है वहाँ अमरनाथ जाने के लिए बोला, उन्होंने जूता यूज करेंगे, बाकी तो नंगे पाँव। बोले मैं ऐसे ही आया था, ऐसे ही जाऊंगा।
तो ऐसे रहता है तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, बात करता हूँ। हाँ मैं भी, मेरे को भी पैदल चलने का कभी कभी मन करता है, और हिमालय में तो अलग ही मजा आ जाता है। चलो भाई चलते हैं कसौल तक। अभी बरसैनी से कितना किलोमीटर आगे आ गए होंगे हम? हम 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आए और 2 किलोमीटर का वो ट्रैक कर लिया था। हाँ। तो होगा 4 होगा, 4-5 यहाँ से आगे। हाँ चलते हुए इन्होंने पहचान लिया था। चल भाई रिव्यू नहीं करना यार, फोटोज को रिव्यू करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तुमने तो मेरी एक भी नहीं अच्छी खींची है, देखो क्या सुंदर नजारों के साथ। एक भी अच्छी फोटो नहीं आती इसे खींचनी, इतना इसको ट्रेन किया मैंने, कुछ भी नहीं आता इसे अभी भी। जाएगा कब आएगा? हम स्लो स्लो सीखते हैं बट सीख लेते हैं अच्छे से। देखेंगे, देख लो। ये देखो भाई, ये रोड पे चलते चलते लड़की ने फिर से स्नैक्स ले लिए हैं और बोलती है, क्या बोलती है क्या? लड़की क्या बोलती है? अरे यार ये भूख लग रही है, कुछ खाए नहीं क्या? सर्वाइवल विदाउट मनी थोड़ी है। और मेरे पास 300 रुपए बचे थे ना, 300 रुपए में से मैं ये ले रही हूँ। टोटल कितने हुए 46 दिन में? 46 दिन में 655 हुए थे। 655। हाँ अब एक दो 10-20-30 रुपए और हो जाएंगे बस। हाँ ये ज्यादा उतना नहीं है भाई, 1 महीना 1000 रुपए का बजट भी काफी है, पर इसने तो 600 रुपए करे हैं 1 महीने में। 1 महीना नहीं, 46-47 दिन हो गए आज। चिप्स, ओ सॉरी कुरकुरे खा लेते। अच्छा रोड है, मजा आ रहा है चलते चलते, अब ये खाएंगे। एक भाई ने लिफ्ट दिया, सुबह से पैदल चल रहे हैं हम। थैंक यू जी। आपको पता है? अच्छा इन्होंने हमें देख रखा है, खुला हुआ है, ये खोल लेना। ओके इन्होंने हमें देख रखा है। कहाँ पे देखा आपने भाई? बताओ अपने न्यूज़ में। अच्छा ऑल इंडिया ट्रेवल न्यूज़ में पढ़ा। आशीष शर्मा फ्रॉम मणिकरण, अफसर मलिक, और मैं नगर से हूँ। अच्छा नगर से हो आप? जी, हम नगर में। अक्षय आचार्य। अक्षय आप लोग नगर में थे वो? हाँ, नगर में था। आप कर चुके थे? हाँ, नगर में। उस वक्त जो सामने फ्रंट पे दिखे थे मुझे कैसल में आप। अच्छा अच्छा। हाँ कैसल रोड पे ना ऊपर? हाँ आप ऊपर की तरफ गए थे? हाँ पुल्ला की तरफ। हाँ का जून का पहचान लिया ना? अच्छा जून था मैं वहाँ पे। अब मेरा बिल्डिंग का मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किया वहाँ मेरी जमीन पड़ती है। अच्छा नगर नगर। ठीक है भाई, एक नगर मनाली के भाई मिले हैं और ये एक मणिकरण से भाई हैं, इन्होंने हमको लिफ्ट दिया। लगभग 9.5 किलोमीटर बचा है मणिकरण यहाँ से। ठीक है पहुँच गए। पहले मणिकरण में लंगर खाएंगे, उसके बाद चोच में जाएंगे। चोच वहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 2 किलोमीटर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चंट कर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर चले। ये देखो भाई पहुंच गया मणिकरण, ये टैक्सी स्टैंड है मणिकरण का। ओके बाय 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 बाय। सच्चे गलो जी। एक मैंने कुछ कह रहा है तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, तो हम पैसे में छोड़ रहे हैं। थैंक यू। हम पैसे के लिए नहीं करते यार ये सब। हाँ जी ये भाई हमें जबरदस्ती पैसे दे रहे हैं। पैसे कमा रहे थे यार, हम पैसे छोड़कर आ रहे हैं मुंबई। मुंबई से
50,000 की नौकरी छोड़ के आ गए यूट्यूबर है। नहीं वैसी बात नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं पैसा उनको, वो उनका लोगों की भलाई के लिए लोगों को अच्छे बुरे के लिए बता सके। हाँ यही होता है भैया, हमें वो सब करना रहता तो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खासा नौकरी करने वाला इंसान पैसे नहीं थी वो पैसे दे देते हमें, तो बहुत रुका रुका के मतलब हाथ पकड़ लिया था मेरा, बोला 500 रुपए तो दे दो, नहीं नहीं ये नहीं करना मुझे। मेरे को भी बहुत लोग ऐसे देते हैं, खाने का दे रहे हैं, मैं बोलता मेरे अकाउंट में भेज दो, ये वाले रास्ते से भी निकल जाएंगे हम शायद। हम तो चोच जा रहे हैं, पास में ही है चोच, चोच नहीं नहीं पैदल जाएंगे हम, वॉक करके जा रहे हैं, तुम बैठो मैं तो पैदल जाऊंगा। अरे यार कैसी हरकत कर रहे हैं यार आप। थैंक यू सॉरी भाई, थैंक यू। क्या यार पैदल जाना सीखो, मुझे इसके अंदर। अरे तो ऐसा बोलना था ना तुमको, दरवाजा वो वाला खुला तो पीछे वाला थोड़ी आइडिया मुझे आया, पीछे बैठना था मुझे, तुमको बोलना चाहिए था ना, बोला था ना मैंने, कुछ भी नहीं बोला तुमने। नहीं नहीं मैं तो पैदल चलूंगा तू सही। जाएगा। सब ऐसे वर्ड यूज करते हैं आप लोगों ने तो सिखाया है मुझे। ये देखो भाई चोज का पुल है पार्वती नदी के ऊपर, ये पार कर रहे हैं हम। ओ भाई पूरा दो बल्लियों पे चक्कर आ रहे हैं यहाँ पे तो। हेलो चोज विलेज में हमारी एंट्री हो गई, ये वाला पुल पार करते ही चोज विलेज के अंदर एंट्री हो रही है। ये आ रही है भाई नदी पार्वती, पूरा बरशैनी जहाँ से हम आए हैं और मणिकरण रास्ते में आता है, और ये पूरा आगे कहाँ तक जाती है मैं बोला, भुंतर तो ब्यास नदी से भुंतर में मिलती है, हाँ भुंतर में मिलती है ब्यास नदी से ये। ओके ये देखो क्या सुंदर टर्कोइस वाटर है इसका। ओके यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते जाते हमारी प्रॉपर्टी है, आज की कैंप साइट है शायद, देखेंगे जाके पता लगेगा। हाँ आप लोग इन्वाइट करते हो इंस्टाग्राम से, हम आ जाते हैं। ये लोग पूछते हैं मेरे से आपको होस्ट कैसे मिलते हैं, चलते रहो आप ही लोग तो होस्ट करते हो हमें फॉलोवर्स, बस तुम तुम्हारी यात्रा पे फोकस रखो यार, होस्ट होस्ट ये कैंपिंग करते हैं ना अपने, ये एक एप्लीकेशन के बारे में बोलते हैं बार बार बोल रहे हैं आप, वो यूज करते हो प्राइवेट एक एप्लीकेशन है होस्टिंग की, वो वाला ना ना उसका वक्त ही नहीं मिलता है, हम यात्रा में इतने खोए हुए रहते हैं, जो कॉल्स आते हैं वो भी अटेंड करने का वक्त नहीं मिलता यार। बहुत वही देखो ना ये नजारे दिखाए तुमने कितने प्यारे हैं अब, अभी ये तो हम थके हुए हैं वरना ठीक से दिखाते, मेरा काला चश्मा शायद मुझे इसलिए लगा। हमारा देखो होस्ट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मेरा तो होस्ट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं कैंपिंग लगाती हूँ हर जगह पे, बट कोई बुला लेता है उनके यहाँ रुकाता है, मजबूरी में तो रुकना पड़ता है, अदरवाइज में मजबूरी में नहीं, थोड़ा तो फायदा होता है यार, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, वो तो बट ऑब्वियस कैंपिंग में भी तो मिल जाएगी ना, उनके घर के बाहर ही तो लगाएंगे। चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, यहाँ से दो रास्ते हैं, अपना वाला कौन सा है एक बार पता कर लेते हैं फोन करके। बाय बाय पहुँच गए, चलो चलो चलो। ये देखो भाई ये पूरा खाई के अंदर से जा रहे हैं, ये छोटा सा एक और पुल पार करना है बस पहुँचने वाले, हर बार ऐसे लगता है फिर एक खाई आ जाती है उसे पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है पर मजा आता है यार, ये कच्चे कच्चे फूल, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। काला चश्मा लगा रहता है ना ऐसे लगता है अंधेरा हो गया है, फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाता, फिर जैसे ही मैं ये चश्मा बदलता हूँ ट्रांसपेरेंट लगाता हूँ फिर 2 घंटे भाड़ जाते हैं, फिर ठीक लगता है शूटिंग करने का मन करता है, वरना GoPro लो लाइट को लेता नहीं और काला चश्मा भ्रम पैदा करता है कि अंधेरा हो गया है। ओके चले? हाँ चलो। ये देखो सुंदर नज़ारे, वाह हा 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 मज़ा ही आ गया, हिमालय। चलो भाई पहुंच गए, कुत्ता उत्ता ना आ जाए जल्दी आ यार, सरस्वती तू देख लेगी उनको, मेरे को डर लगता है। आज की कैंप साइट अपनी ये है भाई, सामने देखो घना जंगल सा पहाड़। ओके ये खाना वाना आर्ट, हाँ आर्ट तुमको पसंद है ज़्यादा, मेरे को भी अच्छा लगता है, मतलब लोग वैसे ही रहते हैं फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, इसका मतलब बताओ क्या होता है, एक साइन है क्या वो मैं नहीं बता सकती क्या साइन है कि कोई तुम्हें देख रहा है। हाँ
यहाँ की आँख सखी हाय विनय भाई। हाँ विनय भाई, फोन बंद है भाई जी आज ना, और कहीं रह गया था रात को फोन। ओके मगर आपको बताया था आज आना था भाई। हाँ 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 पहुँच गया, मेरी बात हो गई उनसे। ओके